कुकू किधर है अब्दुलरहमान भाई? कुकू पता नहीं कहाँ है यार, कोई उठाकर तो नहीं ले गया। बबीता देवी और सविता देवी रेडी हो चुकी हैं। Assalamualaikum everybody, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं जी। घड़ी पर आपको टाइम नजर आ रहा होगा, 7 बज गए हैं। व्लॉग में 7 बजे शुरू नहीं कर रहा, दरअसल व्लॉग मैंने सुबह ही शुरू कर लिया था, तो सुबह से लेकर अब तक क्या मसरूफियत थी पहले वो देख लें यार। आज जी मेरे नाश्ते में है गर्मा गर्म आलू वाला पराठा, जो कि मैंने अपनी फरमाइश पर बनवाया। रहमान भाई जुमा पढ़ने चल रहे हैं, चले आए फिर चले। जाय नमाज ले आए आप? चले ठीक है, ये तो बेस्ट किया है। लोग जुमा पढ़ने के लिए आ गए हैं, लेकिन मैं दुआ ये कर रहा हूँ कि आज हमें मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है यार। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जुमा तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन बदकिस्मती आज भी हमारे साथ ये हो गई कि हमें बाहरी जगह मिली। इसमें हमारी किस्मत का कोई कसूर नहीं है, मेरा ख्याल है हमारा ही कसूर है, बिकॉज हम लोग हमेशा ही एंड टाइम पर जाते हैं। तो जब एंड टाइम पर जाएंगे तो भाई अंदर तो जगह नहीं ना मिलेगी, एसी शेसी माहौल में आपको जगह नहीं मिलेगी, फिर आपको गर्मी में जुमा अदा करना पड़ेगा। तो जुमा वगैरह पढ़ने के बाद भाई आपका मसरूफ हो गया था, बस एक दो वीडियो बनानी थी, पैसे शैसे कमाने थे यार, सीधी तरह बात कर देता हूँ, पैसे शैसे कमाने थे, पैसे शैसे कमा कर मैं फ्री हो गया। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने जाना है वलीमा के लिए, मतलब रोटी शोटी खाने यार। वलीमा की रोटी खाने के लिए पता नहीं इतना तकल्लुफ क्यों करना पड़ता है हम लोगों को, रोटी तो हम लोग घर भी खा सकते हैं या फिर सादे कपड़ों में भी जा सकते हैं, लेकिन बस हमारी मेंटेलिटी है ना, शुरू से बुजुर्गों ने जो रस्म रिवाज रख दी है उसको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए अभी बबीता देवी और सविता देवी रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। वैसे माँ बेटी ने आज साड़ी क्यों पहनी है? रिसेप्शन पे साड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों? ये किसने रिवाज रखा है? मेंटेलिटी, लोग भी मेंटेलिटी को फॉलो करते हो। हाँ। ये आइडिया किसने दिया कि माँ बेटी साड़ी पहनू आज? नहीं, साड़ी ये आपा का आइडिया था कि तुम्हारा आइडिया था? मेरा था, मेरे पास कुछ था नहीं कुछ और पहनने को, जो था वो लेट हो गया ड्रेस, फिर मैंने साड़ी निकाली। अच्छा, और ये बिल्कुल इजी वेयर है, ताकि मैं इज्जत। तो आपा के पास यही ऑलरेडी पहन रही थी कि ये तुम्हारे कहने पर पहन रही? पहन नहीं दी थी, मतलब दोनों माँ बेटी ट्विनिंग कर रहे हो ना आज? वखरे यार, चेक करो। वैसे रिसेप्शन पर पेंट कोट पहनने का रिवाज है ना, लेकिन चेक करो आपका भाई कैसा ढीठ किस्म का इंसान है, बस शर्ट पहन लिया नीचे ड्रेस, पेंट पहन लिया और नीचे ये शू पहन लिया, और ऐसे ही जा रहा है, कोई मसला नहीं यार, देसी लोग हैं। आज गाड़ी चलाएंगी बबीता देवी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बीमार हूँ, पैनाडोल भी मैंने पकड़ी है और उसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। तो मैंने कहा गाड़ी तुम चलाओ, मैं साइड पर बैठूंगा। इसने कहा कि फिर तुम वेले नहीं बैठ सकते। मैंने कहा फिर क्या करूँ? उसने कहा कि तुम एजल को लेकर बैठ। मैंने कहा चलो ठीक है, लाए जी पकड़ा दे एजल को मुझे। चलो जी चलो चले। इसका फीटर पकड़ा की चीजें पूरी कर ली थी ना? पूरी पूरी। चलो चले फिर। या अल्लाह खैर कलमे पढ़ लो बस, आज कमल गाड़ी चला रही है। अभी जी हम लोग वलीमा से फ्री हो गए हैं और साधु सामान रख रही है कमल, एजल का रख लिया है। चले चले चलो चलो बैठो फिर। जाते हुए जी कमल ने ड्यूटी निभाई थी गाड़ी चलाने की, और आते वक्त मैं निभा रहा हूँ। हम लोग घर पहुँच गए और ये बड़े सुकून से सो रही है। अच्छा, मुझे लगा शायद खेल रही है मेरे हाथ के साथ। तुम्हें लगा? हाँ, मैंने अभी देखा वो खराटे मार रही है माशाल्लाह। अभी मुझे पता क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? कि मेरे सामने चुड़ैल है। हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा मेकअप बिगड़ चुका है। तो ना दिखाओ ना प्लीज, ना दिखाओ, ना दिखाओ। नजर लग जाएगी, चुड़ैलों को नजर नहीं लगती। गाड़ी से सारा सारा सामान मैंने बाहर निकाल लिया है, जो जो गाड़ी में पड़ा होता है, बिकॉज सुबह फिर गाड़ी वॉश करवानी होती है, फिर सुबह उठकर सबसे पहले सामान गाड़ी से निकालो, ये मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं रात को ही निकाल लेता हूँ। अभी ये कुकू कहाँ है? कुकू का पानी का बर्तन यहाँ पड़ा है, खुद नजर नहीं आ रहा, वॉशरूम में तो नहीं है, वॉशरूम में भी नहीं है, शायद बाहर ही होगा साइड पर। मैं अब्दुलरहमान भाई से पूछता हूँ कुकू खाना दे दिया है कि कोई नहीं दिया, क्योंकि कुकू शायद खाना खाकर ही जाता है अपना वॉशरूम करने के लिए गली में, और गली में भी नहीं है, आगे ना हो शायद। मैं घर आते ही कुकू को ज़रूर चेक करता हूँ कि उसने खाना शाना खा लिया या नहीं खाया, और यहाँ पर भी नहीं है। कुकू कहाँ है? कुकू पता नहीं कहाँ है यार, गाड़ी के नीचे तो नहीं घुस गया। गाड़ी के नीचे लाइट मार रहा हूँ, नीचे भी नहीं है। अब्दुलरहमान भाई, अब्दुलरहमान भाई, कुकू किधर है? अब्दुलरहमान भाई सर जी, कुकू इधर ही होगा नीचे। नीचे नहीं है,
नहीं है तो कहीं आगे पीछे जरूर होगा। आगे पीछे भी नहीं है, मैंने देख लिया, गली में भी देख लिया, गैराज में भी देख लिया, नीचे भी देख लिया, ऊपर तो नहीं है। आप ऊपर से आए हैं ना? हां जी, मैं इधर से आया हूं। ऊपर से ना? ऊपर से। तो ऊपर है? ऊपर नहीं है सर। देखा है आपने? हां जी। एक दफा मैं देखता हूं यार, उसका तो ख्याल रखा करें। हाँ ऊपर हूँ। कुकू नहीं मिल रहा, पता नहीं ऊपर पे ढूंढ रहे हो, वो तो ऊपर जाते नहीं है। ऊपर आ जाता है कभी कभी कमल, तो कमरों में थोड़ी जाता है। कमरों में नहीं जाता, लेकिन वैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो नहीं है। मैं टेरेस में देखता हूँ, टेरेस को तो लॉक लगा हुआ है, टेरेस पे तो नहीं जा सकता। इस तरह के पेट की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि कोई उठाकर तो नहीं ले गया, बिकॉज ना इस तरह के पेट को उठाने वाले बहुत से लोग होते हैं यार। अब्दुलरहमान भाई क्या सीन है? ऊपर नहीं है, किधर है? मुझे भी नहीं पता चल रहा, क्या हो गया सर? किधर के? आपने लास्ट टाइम कब देखा? आप सो रहे थे? नहीं सर जी, अभी इधर भाव की रहा था थोड़ी देर पहले। नहीं, पर हम आए तब तो भूखा नहीं, तब भी नहीं भूखा, जब ही हम लोग आए तब नहीं था। यहाँ पीछे देखते हैं, पीछे मैंने देखा गली में, आप भी देख लें एक दफा यार। ये ऐसे ख्याल किया करें कोई उठा कर ले गया, मुझे लग रहा है जो नजर ही नहीं आ रहा है। यार खुदा का खौफ करो यार, कमल गंद खत्म हुआ, कहीं नहीं जाता, इधर ही है जुलकर। इधर नहीं है ना, टेंशन बढ़ रही है। ये देखें इधर नहीं है, वो मशीन वाली साइड पर देखें आप, यहाँ पर तो कोई नहीं है। उधर भी नहीं है, तो फिर कहाँ गया? ऊपर देखें। ऊपर किधर? छत पे। छत पर? हाँ जी छत पर। सर वो नहीं जाता, चला जा सकता है, जानवर है सर जी। ओ नहीं अब्दुलरहमान भाई, छत पर नहीं जाता। आप छत पर देखेंगे? जी जाएं देख लें। अब्दुलरहमान भाई छत पर देखेंगे, चले मैं भी आ रहा हूँ, बल्कि आप ही देखें। आ जाए, आ जाए सर जी। क्या हुआ है? आ जाए। क्या हुआ है? ऊपर तो आए। क्या ऊपर आऊं? हाँ जी ये है, ऊपर है। हाँ जी ऊपर कैसे चले गया ये? किधर है? ये है कुकू। किधर है? ओ खुदा का बंदा, ये टंकी की साइड पर क्या कर रहा है ये? ये इधर ही खड़ा हुआ है। तो ये ऊपर कैसे चढ़ा है? ये तो पता नहीं है। अब्दुलरहमान भाई आप ही देखा करें ना यार, अब ऊपर आ गया। ऊपर क्या करने आए थे? हाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं ऊपर ये। ये बाहर कैसे आ गया ना, अंदर तक सर के? यार मैंने इसको वो छिया करने के लिए तो छोड़ा था, छिया करने के लिए छोड़ा ना, तभी ये मुझे लगता है ऊपर आ गया। चलो अब नीचे। ये फाइनली कुकू मिल गया है, अगर ना मिलता ना तो मैंने तो रोने लग जाना था, बिकॉज कुकू से भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। पेट मुझे बचपन से बहुत ज्यादा पसंद है। बचपन में मैंने जो सबसे पहला पेट रखा था वो जर्मन शेफर्ड ब्रीड का डॉग था, और तब मैं स्कूल में पढ़ता था इसलिए मैं उसको टाइम नहीं दे पाता था, इसीलिए तकरीबन कोई 8-9 महीने मैंने वो रखा। उसके बाद मैंने दे दिया था अपने दोस्त को, बिकॉज मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। और आप सबको भी यही मेरी रिकमेंडेशन है कि आप तभी पेट रखें जब आप उसको टाइम दे सकें। अगर आप अपने पेट को टाइम नहीं ना दे सकते तो फिर भाई जानवर के साथ जुल्म नहीं करें, और ना ही रखें तो अच्छी बात है। चलो अब अंदर 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 चलो अंदर चलो 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 जी जी अभी यहाँ बैठो, ये गुड बॉय। हमारी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई और कुकू मिल गया है छत से। पता नहीं छत पर चले कैसे गया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो तो कभी भी नहीं छत पे गया। सही बात है, पता नहीं आज कैसे गया। भाई स्टाइलिंग हो नहीं रही थी, फिर मैंने बालों पर स्प्रे लगाई तब जाकर मेरी स्टाइलिंग हुई थी। तो अभी चूंकि स्प्रे लगी है तो मैं इस तरह से सो नहीं पाऊंगा, अगर सो गया तो बाल मेरे मजीद डैमेज हो जाएंगे। तो सोच रहा हूँ कि बालों को वॉश कर लूं, और अभी मेरे बाल वॉश कर लिए।